टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के गोंडा के मनकापुर में चाकू की नोक पर एक दसवीं की छात्रा जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है, इस स्कूली छात्रा के साथ चार लोगों ने बलात्कार किया है। पीड़ित छात्रा ने इसकी शिकायत पुलिस में भी दर्ज करवाई है। गैंगरेप की घटना छात्रा के साथ उस वक्त हुई है जब छुट्टी के बाद ये छात्रा घर लौट रही थी, तभी चार लोगों ने इस छात्रा का रास्ता रोका और इस छात्रा के साथ चाकू की नोक पर गैंगरेप किया गया। और इस घटना के बारे में किसी को जानकारी न दे इसलिए इसे डराया धमकाया भी गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता हामिद अली से बात करते हैं। हामिद अली, क्या है ये पूरा मामला? जी, आपको बता दें, गोंडा के मनकापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव है जहां पे पीड़िता जो है आरोप लगाई है कि उसको जो है चार लोगों ने, लड़की थी जो स्कूल से आ रही थी वापस, दसवीं की छात्रा है वो वापस आ रही थी स्कूल से, उसको रास्ते में रोक करके चाकू से मतलब उसको डरा धमकाया गया, उसी के नोक पे उसे गैंगरेप किया गया जो चार लोगों ने किया है, पीड़िता ने ऐसा आरोप लगाया है। और पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार बारीकी से इसकी जांच कर रहे हैं और जांच के प्रथम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी जो तहरीर दिया है उसी के हिसाब से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और आगे ये चारों आरोपियों में से किसी की गिरफ्तारी हो पाई है क्या अभी तक? जी हाँ, एक की गिरफ्तारी हो गई है, उसमें जांच चल रही है और बाकी जो है मेडिकल परीक्षण आने के बाद जो मेडिकल जिला चिकित्सालय भेज दिया गया था लड़की को, पीड़िता को, वो फिर महिला थाने में हाजिर हुई, वहां पे अपना बयान जो भी दर्ज कराया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा शैलेश कुमार पांडे पुलिस अधीक्षक ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बहरहाल छात्रा को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और इस मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बहरहाल जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि चार में से एक आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, फिलहाल तीन आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। और पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने भी क्या जानकारी दी है, सुनिए। थाना मनकापुर क्षेत्र में कल शाम में एक 15 वर्षीय युवती ने कंप्लेन दर्ज कराई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसी के गांव के एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 48-49 साल है, वो उसने अपने तीन साथियों के साथ इसके साथ दुष्कर्म किया। प्राप्त तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके जो पीड़िता है उनका मेडिकल कराया जा रहा है। परंतु साथ ही साथ यहाँ यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि इन दोनों परिवारों के बीच में पूर्व में भी विवाद की बात प्रकाश में आई है, परंतु समस्त तथ्यों पे, समस्त साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है, साक्ष्यों के आधार पे इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।